हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है रेशनलाइजेशन, इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। रेशनलाइजेशन क्या होता है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं और उसके डिसएडवांटेज क्या होते हैं। देखिए, रेशनलाइजेशन जो टॉपिक है ये आपके बीकॉम से रिलेटेड है, ये आता है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के अंदर। चलिए अब देखते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है। तो रेशनलाइजेशन को जानने से पहले हम उस रेशनलाइजेशन की हिस्ट्री जान लेते हैं कि रेशनलाइजेशन जो है इसका इतिहास क्या रहा है अब तक। देखिए, इट वाज फर्स्ट प्रैक्टिस्ड इन जर्मनी। जो रेशनलाइजेशन है ये सबसे पहले कहाँ प्रैक्टिस किया गया था, ये जर्मनी में प्रैक्टिस किया गया था। व्हेन ऑल द इंडस्ट्रीज डिस्ट्रॉयड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, कब जब सारी जो जर्मनी है उसकी सारी इंडस्ट्री जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई थी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, तब बर रिस्टेब्लिश्ड क्या हुआ कि वो सारी तबाह तो हो गई लेकिन वो अचानक से दोबारा सब बन के तैयार हो गई। और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था जो जर्मनी का, वो बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस में आ गया बहुत ही कम समय के अंदर। द रेशनलाइजेशन ब्रॉट अबाउट एन रिवोल्यूशन एंड बिकम हाईली सक्सेसफुल इन जर्मनी। क्या हुआ कि उन्होंने रेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है उसको फॉलो किया। एंड और क्या हुआ कि जो रेशनलाइजेशन ने क्या किया कि एक क्रांति ला दी उनके देश में, और जर्मनी जो है वो हाईली सक्सेसफुल हो गया इंडस्ट्रियल मामले में इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, बहुत ही कम समय में। एंड देन इट बिकेम इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। और फिर क्या हुआ कि सारे देशों ने देखा कि ये जो जर्मनी है इसने अपने आप को इतनी जल्दी रिपेयर कैसे कर लिया, इसका इंडस्ट्रियल सेक्टर इतने अच्छे से कैसे चलने लगा। तो उन्हें बाद में पता चला कि इसने जो है इसने रेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है उसको फॉलो किया। तो फिर क्या हुआ, फिर जो रेशनलाइजेशन है जो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में आ गया और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड हो गया, मतलब हर कंट्री ने उसे एक्सेप्ट कर लिया कि ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम भी फॉलो करेंगे, हम भी लगाएंगे अपनी कंट्री के अंदर, एंड बिकम वेरी पॉपुलर वर्ल्ड वाइड। और फिर क्या हुआ, उस टाइम से जो रेशनलाइजेशन है वो वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हो गया और सब इसे आज भी फॉलो करते हैं। तो ये जो है ये रेशनलाइजेशन की हिस्ट्री रही है अब तक। अब हम देखेंगे मीनिंग ऑफ रेशनलाइजेशन कि रेशनलाइजेशन में ऐसा क्या होता है, कि उन्होंने जर्मनी ने ऐसा क्या किया था कि जो उनका इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो इतना अच्छा हो गया था। अब हम लोग रेशनलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है ये देखेंगे, इसका मीनिंग जानेंगे कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है। रेशनलाइजेशन इज ड्राइव्ड फ्रॉम द वर्ड रेशनल। रेशनलाइजेशन जो मेन वर्ड है ये कहाँ से ड्राइव हुआ है, ये रेशनल शब्द से बना। और रेशनल का मतलब क्या होता है, मीन्स टू वर्क विद एन रीजन। कि रेशनल का मतलब होता है कि काम करना एक उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए, मतलब एक कोई प्रॉपर रीजन होना चाहिए तुम्हारे काम करने का, एक कोई लॉजिक होना चाहिए और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए अपने अपने काम को लेकर आपको। तो रेशनल शब्द का मतलब ये होता है, तो इससे मिलकर रेशनलाइजेशन बना है। अब देखते हैं अंडर रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन में क्या होता है। द ओल्ड एंड ऑब्स्टेकल मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, बेकार और पुराने तरीके जो होते हैं प्रोडक्शन को, इज टू बी रिप्लेस्ड बाय द न्यू एंड साइंटिफिक मेथड्स, उनको हटा दिया जाता है और नए तरीकों को लागू किया जाता है प्रोडक्शन के, और साइंटिफिक मेथड्स को लगाया जाता है रेशनलाइजेशन के अंदर। क्या होता है इससे, विच हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कॉस्ट पर यूनिट एट द मिनिमम। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट होती है प्रोडक्शन की वो कम हो जाती है। जब नए नए तरीके, नई नई मशीन्स लग जाएंगी तो जो पुराने तरीके होते थे उसमें जो कॉस्ट है वो ज्यादा लगती थी, क्योंकि रॉ मटेरियल ज्यादा यूज होता था, वर्कर ज्यादा, मतलब हर तरीके से उसमें ज्यादा ही लगता था, तो जो कॉस्ट है वो ज्यादा आती थी। तो अब जब नए नए तरीके लगेंगे तो क्या होगा, कॉस्ट कम आएगी। जब कॉस्ट कम आएगी तो प्राइस तो उतना ही रहेगा लेकिन कॉस्ट कम हो जाएगी। जब कॉस्ट कम होगी तो जो प्रोड्यूसर है उसका प्रॉफिट जो है वो ज्यादा हो जाएगा। तो ये रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट था और इसका मीनिंग है यही कि रेशनलाइजेशन का मतलब क्या होता है, पुराने तरीकों को हटा के नए तरीकों को लागू करना। अब हम देखेंगे एडवांटेजेस ऑफ रेशनलाइजेशन, कि पुराने तरीकों को हटा के नए तरीकों को तो लगा दिया, अब इससे फायदा क्या होगा।
तो अब हम रेशनलाइजेशन के फायदे देखेंगे। सबसे पहला फायदा है, फर्स्ट एडवांटेज इज इट हेल्प्स इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेसेस। क्या होता है, रेशनलाइजेशन से जो प्रोसेस है वो स्टैंडर्ड उनको एक मिल जाता है, डेट सिंप्लीफाई द मैन्युफैक्चरिंग। इससे क्या होता है, ये सिंप्लीफाई कर देता है मैन्युफैक्चरिंग मेथड्स को, डेट रिड्यूसेस वेस्ट। मतलब कि एक स्टैंडर्ड मिल जाता है, उससे क्या होता है मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बहुत अच्छे तरीके से होती है, जिससे जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाता है। नई नई यूनिट्स लगेंगे, नए नए तरीके होंगे, ट्रेंड वर्कर्स होंगे, तो उससे जो वेस्टेज है वो बहुत कम हो जाएगा और जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो बहुत ज्यादा सिंप्लीफाई और अच्छी हो जाएगी। ये इसका पहला एडवांटेज है। अब इसका दूसरा एडवांटेज देखते हैं, इट हेल्प्स इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्निक्स। ये नई नए तरीकों को बताता है, रेशनलाइजेशन है, ये नई नई टेक्निक्स को बताता है, लेटेस्ट इक्विपमेंट एंड मशीनरी दैट बूस्ट द प्रोडक्टिविटी। ये नई टेक्निक्स बताता है, नए नए उपकरण आपको देता है, नई नई मशीनरी देता है, जिससे जो प्रोडक्टिविटी है वो बूस्ट हो जाती है। ये रेशनलाइजेशन का दूसरा एडवांटेज है। थर्ड एडवांटेज ऑफ रेशनलाइजेशन देखते हैं, इट प्रोवाइड्स द बेटर वर्किंग कंडीशंस टू द वर्कफोर्स। अब क्या है, जब नई नई मशीनें लगेंगी तो जो वहां पे काम करने वाले हैं उनको भी आराम हो जाएगी और आराम से वो काम करेंगे, उनका भी काम कम हो जाएगा, तो एक तरीके से उनको बेटर वर्किंग कंडीशंस मिल जाएंगी। ये इसका थर्ड एडवांटेज है। फोर्थ एडवांटेज देखते हैं हम रेशनलाइजेशन का, इट असिस्ट इन इंक्रीजिंग द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन सोसाइटी। अब इससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड है सोसाइटी का रहने का, उसको भी ये मतलब इंक्रीज कर देगा। रेशनलाइजेशन जो है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उसको इंक्रीज करेगा। कैसे, देखिए रेशनलाइजेशन जब होगा तो जो मशीन्स हैं या जो उपकरण हैं उनकी मदद से जो इंडस्ट्री है वो नए नए प्रोडक्ट्स को बनाएगी और अच्छे रेट पे मिलेंगे। तो जब अच्छे रेट पे होंगे और नई नई वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होंगे, तो उससे क्या होगा, जो सोसाइटी है वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट जो है और वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट है उनको यूज करेगी, तो क्या होगा, उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये इसका फोर्थ एडवांटेज है रेशनलाइजेशन का। अब इसका फिफ्थ एडवांटेज देखते हैं, रेशनलाइजेशन रिड्यूसेस द वेस्ट फूड प्रोसेसेस। अब जो रेशनलाइजेशन है वो क्या करता है, जो जितनी मतलब जिस प्रोसेस में वेस्ट होता था उसको हटा देता है। कि पुराने तरीकों में क्या होता था कि जो रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा वेस्ट होते थे, तो ये उनको कम कर देता है नई टेक्निक्स को लागू करके, एंड हेल्प्स इन द। और जब नई टेक्निक्स को लागू क्या करता है, तो क्या होता है वेस्टेज जो है वो तो हट ही जाता है और जो कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस है वो उसको बढ़ावा देता है। मतलब अब जब पुराने तरीकों में वेस्ट होता था तो उसे हटा दिया, नए तरीके करेंगे तो उससे क्या होगा, कंजर्वेशन होगा, नए मतलब जो जहां पे ज्यादा मटेरियल लगता था वहां पे कम लगेगा, तो जो कम लगेगा वो बच जाएगा। तो रेशनलाइजेशन क्या करता है, वेस्टफुल एक्टिविटीज को कम करता है और कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस को बढ़ावा देता है। ये रेशनलाइजेशन का फिफ्थ एडवांटेज है। अब हम लोग देखेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ रेशनलाइजेशन, कि रेशनलाइजेशन के जो है वो नुकसान क्या क्या है। चलिए देखते हैं, सबसे पहला नुकसान क्या है, ये टी कैपिटल होगा। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ लार्ज नंबर ऑफ कैपिटल एक्सपेंसेस। रेशनलाइजेशन में क्या होता है, जो प्रोसेस होती है रेशनलाइजेशन की, उसमें बहुत ही ज्यादा लार्ज नंबर में जो है वो कैपिटल एक्सपेंसेस होते हैं, एंड दैट टू विदाउट दी गारंटी एंड एडिक्वेट रिटर्न। कि और कोई गारंटी भी नहीं होती है कि ये बहुत ही ज्यादा अच्छा रिटर्न देगा। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है कि मतलब खर्चा तो बहुत ज्यादा होगा, और खर्चा होगा तो होगा लेकिन उससे जो हमारा जो प्रॉफिट है वो बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, या हमें रिटर्न अच्छा मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। ये इसका पहला डिसएडवांटेज है रेशनलाइजेशन का। सेकंड डिसएडवांटेज देखते हैं, इट प्रमोट्स मैकेनाइजेशन डेट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स। देखिए अब क्या होता है कि ये मैकेनाइजेशन को प्रमोट करता है, मतलब नई नई मशीन जो है वो लगती हैं इंडस्ट्री के अंदर या फर्म के अंदर। इससे क्या होता है, जो बेरोजगारी है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब नई नई मशीनें लगेंगी
तो एक जो मशीन है वो 4 लोगों का काम अकेले कर देगी या 10 लोगों का काम अकेले कर देगी। तो उस मशीन को ऑपरेट करने के लिए कितने आदमी चाहिए? एक आदमी चाहिए। बचे हुए 9 जो हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो इस पॉइंट का यही मतलब है और यही इसका दूसरा डिसएडवांटेज है, किसका? रेशनलाइजेशन का। इट प्रमोट्स मैकेनाइजेशन दैट लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ वर्कर्स बिकॉज ऑफ द ऑटोमेटेड मशीन्स। चलिए अब देखते हैं थर्ड क्या है, वेस्टेज ऑफ ओल्ड मशीनरी। अब क्या होगा, अब जब रेशनलाइजेशन होगा तो नई नई मशीन्स आएंगी और जो पुरानी वाली है वो बेकार हो जाएंगी, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। तो ये इसका थर्ड डिसएडवांटेज है। फोर्थ देखते हैं, रेशनलाइजेशन ऑल्सो लेड्स टू द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। जो रेशनलाइजेशन है इससे क्या होता है, जो रिसोर्सेज है नेशन के वो भी वेस्ट होते हैं। कैसे? देखिए थर्ड पॉइंट में मैंने आपको क्या बताया था, वेस्टेज ऑफ ओल्ड मशीनरी, तो है तो रिसोर्सेज ही ना, तो ये बर्बाद हो गया। तो जब ओल्ड मशीनरी को हमने हटा दिया, रिसोर्स बर्बाद हो गया, तो यही तो एक एग्जाम्पल है कि पुरानी मशीनरी को हटा देंगे, नई मशीनरी ले आएंगे, तो पुरानी बेकार हो गई ना, तो वो है तो रिसोर्स, तो रिसोर्स बेकार हो गया। तो ये इसका फोर्थ डिसएडवांटेज है कि रेशनलाइजेशन ऑल्सो लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ द रिसोर्सेज ऑफ द नेशन। अब हम लोग देखते हैं फिफ्थ और जो फाइनल डिसएडवांटेज है वो क्या है, डिजास्टर ऑफ स्मॉल यूनिट्स। जो स्मॉल यूनिट बिजनेस है उसके ऊपर रेशनलाइजेशन है, जो वो बहुत बड़ा खतरा है। ये इसका फिफ्थ डिसएडवांटेज है। इस पॉइंट के अंदर क्या है वो भी देखते हैं। ड्यू टू रेशनलाइजेशन, रेशनलाइजेशन की वजह से द स्मॉल यूनिट फाइंड डिफिकल्ट टू स्टैंड अगेंस्ट द बिग यूनिट। जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो खुद को असक्षम मानती हैं बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं उनके सामने खड़े होने में। बिकॉज क्योंकि द स्मॉल यूनिट कैन नॉट अफोर्ड द मेथड ऑफ रेशनलाइजेशन, क्योंकि जो स्मॉल यूनिट है वो रेशनलाइजेशन का खर्चा नहीं उठा पाएंगी। इसलिए चलिए मैं आपको बताता हूं क्लियर लैंग्वेज में। देखिए क्या होता है कि रेशनलाइजेशन में क्या होता है कि जो पुरानी मशीन्स हैं या जो पुराने तरीके हैं उन सबको चेंज करके एकदम से नया तरीका लगाना, तो ऐसा कौन कर सकता है? ऐसा कर सकती है बिग इंडस्ट्रीज। क्यों? क्योंकि उनके पास बहुत ही ज्यादा जो है वो कैपिटल फंड जो है वो मौजूद होता है, तो वो क्या करती हैं, पुरानी मशीनरी हटाई और नई मशीनरी लगा दी। लेकिन स्मॉल यूनिट क्या होती है, उनके पास पैसा कम होता है, उनका बजट कम होता है, तो वो नए नए तरीकों को अफोर्ड नहीं कर सकती, वो रेशनलाइजेशन नहीं कर सकती हैं। तो क्या होता है, जो बड़ी कंपनीज है वो अच्छी हैं और रेशनलाइजेशन यूज करके और अच्छी हो जाती हैं, और जो स्मॉल इंडस्ट्रीज है वो अच्छी तो थी लेकिन अब जब उनकी अच्छी बहुत अच्छी हो गई तो उनकी बेकार हो जाएगी, तो उनका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, तो वो क्या करेंगे, लॉस में चली जाएंगे और बर्बाद हो जाएंगी। तो क्या है, तो हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो रेशनलाइजेशन जो प्रोसेस है वो बड़े जो कंपनियां उनके लिए तो फायदेमंद है, लेकिन जो स्मॉल यूनिट्स हैं वो बेचारी सफर कर जाएंगी, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगी, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा खतरा है और ये फिफ्थ डिसएडवांटेज है रेशनलाइजेशन का। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।